हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का ऑफलाइन फॉर्म ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के एक नए वीडियो में। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बात करने वाले आप सभी के लिए इंडियन एयरफोर्स की तरफ से ग्रुप सी सिविलियन पोस्ट के लिए एक और भर्ती का नया नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। फ्रेंड्स, आपकी ऑल इंडिया वैकेंसी रहने वाली, आप भारत के किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हो, आप इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हो। मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट्स वैकेंसी के लिए अप्लाई कर पाएंगे। फ्रेंड्स, जो आप सभी के लिए वैकेंसी का नोटिफिकेशन जारी किया गया है, बीकानेर, इलाहाबाद, अम्बाला, कानपुर, देहरादून, दिल्ली, गाजियाबाद और चंडीगढ़ हेडक्वार्टर की तरफ से आप सभी के लिए यहां पर वैकेंसी का नोटिफिकेशन जारी किया गया है। फ्रेंड्स, इसके लिए ऑफलाइन एप्लीकेशन इन्वाइट किए गए, आपको ऑफलाइन फॉर्म के द्वारा अप्लाई करना होगा। यदि बात करेंगे इसके एप्लीकेशन फॉर्म PDF को लेकर, देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा टेलीग्राम ग्रुप रहने वाला है, जहाँ पर आपको प्रत्येक ऑफलाइन भर्ती का एप्लीकेशन फॉर्म PDF तथा ऑफिशियल नोटिफिकेशन प्रोवाइड करा दिया जाता है। यदि आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया तो आपके लिए वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिंक को पिन कर दिया गया है। यदि आप टेलीग्राम का उपयोग नहीं करते हो तो आपके लिए व्हाट्सएप ग्रुप का भी लिंक वीडियो के कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया गया है। जैसे आपका कोई भी ऑफलाइन भर्ती का एडमिट कार्ड आता है तो एडमिट कार्ड का फोटो भी आपके साथ यहाँ पर विद प्रूफ के साथ शेयर कर दिया जाता है। तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप आपके लिए काफी ज्यादा इंफॉर्मेटिव रहने वाला है, तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन जरूर कर लेना या आप व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हो। वीडियो के कमेंट बॉक्स में आपको लिंक प्रोवाइड करा दिया गया है। देखिए फ्रेंड्स, अभी आ चुके हम ऑफिशियल नोटिफिकेशन की तरफ। ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन रहने वाला है जो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर पाएंगे, जो आप सभी के लिए वैकेंसी का नोटिफिकेशन जारी किया गया है। इंडियन एयरफोर्स ग्रुप सी सिविलियन पदों पर आप सभी के लिए यहाँ पर वैकेंसी का नोटिफिकेशन जारी किया गया है। फ्रेंड्स, आप यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट नंबर भी देख पा रहे हो, 05/2022 आपका यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट नंबर रहने वाला है। अब चलिए जानेंगे इसकी पोस्ट डिटेल को लेकर कि आपकी कहाँ से कितनी नंबर ऑफ वैकेंसी, आपकी किस पोस्ट के लिए इन्वाइट की गई हैं। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, जो आप इधर की तरफ देख पा रहे हो, ये आपका पोस्टल एड्रेस रहने वाला है, जहाँ पर आपको एप्लीकेशन फॉर्म को बाई पोस्ट सेंड करना होता है। देखिए फ्रेंड, जो सबसे पहले आपके यहाँ पर वैकेंसी का नोटिफिकेशन जारी किया गया एयरफोर्स स्टेशन है कानपुर की तरफ से, आप सभी के लिए वैकेंसी का नोटिफिकेशन जारी किया गया है। आपके यहाँ पर कुक की वैकेंसी इन्वाइट की गई है, जिसके आपकी 2 नंबर ऑफ वैकेंसी रहने वाली हैं। फ्रेंड्स, आप अपनी यहाँ पर कैटेगरी वाइज वैकेंसियों को भी चेकआउट करते चलेंगे। इसके अलावा फ्रेंड्स, आपकी एयरफोर्स आपकी स्टेशन कानपुर से यहाँ पर है, मैक के पदों पर वैकेंसी का नोटिफिकेशन जारी किया गया, आपकी 1 नंबर ऑफ पोस्ट रहने वाली है। आप सभी के लिए एयरफोर्स स्टेशन चंडीगढ़ की तरफ से कुक की वैकेंसी का नोटिफिकेशन जारी किया गया, आपकी 1 नंबर ऑफ वैकेंसी रहने वाली है। इसके अलावा फ्रेंड्स, आपकी एयरफोर्स स्टेशन कोयम्बटूर तमिलनाडु से वैकेंसी का नोटिफिकेशन जारी किया गया, यहाँ पर आप सभी के लिए मैच स्टाफ के पदों पर वैकेंसी का नोटिफिकेशन जारी किया गया, आपकी 1 नंबर ऑफ वैकेंसी यहाँ पर रहने वाली है। इसके अलावा फ्रेंड्स, आपकी न्यू दिल्ली तुगलकाबाद से आप सभी के लिए कारपेंटर के पदों पर वैकेंसी का नोटिफिकेशन जारी किया गया है, आपकी 1 नंबर ऑफ वैकेंसी रहने वाली है। इसके अलावा फ्रेंड्स, आपकी एयरफोर्स स्टेशन आपकी यहाँ पर न्यू दिल्ली से वैकेंसी का नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिसके आपकी स्टैंड ऑफ ग्रेड 2nd की आपकी 1 नंबर ऑफ फ्रेंड्स वैकेंसी रहने वाली है। इसके अलावा फ्रेंड्स, आपकी इलाहाबाद उत्तर प्रदेश से आपके यहाँ पर वैकेंसी का नोटिफिकेशन जारी किया गया है, आपकी मल्टी टास्किंग स्टाफ यानी MTS के पदों पर वैकेंसी का नोटिफिकेशन जारी किया गया है, आपकी फ्रेंड्स यहाँ पर 2 नंबर ऑफ वैकेंसी रहने वाली है। इसके अलावा फ्रेंड्स, आपकी कानपुर से यहाँ पर MTS के पदों पर वैकेंसी का नोटिफिकेशन जारी किया गया है, आपकी 2 नंबर ऑफ वैकेंसी यहाँ पर रहने वाली है। आपकी गुड़गांव हरियाणा से स्टोर कीपर के पदों पर वैकेंसी का नोटिफिकेशन जारी किया गया है, आपकी 1 नंबर ऑफ वैकेंसी रहने वाली है। कानपुर से आपके यहाँ पर MTS के पदों पर है वैकेंसी का नोटिफिकेशन जारी किया गया है, आपकी 1 नंबर ऑफ वैकेंसी फ्रेंड्स यहाँ पर रहने वाली है। इसके अलावा फ्रेंड्स, आपकी अम्बाला से यहाँ पर एयरफोर्स स्टेशन अम्बाला कैंट हरियाणा से आप सभी के लिए वैकेंसी का नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिसमें आपकी LDC की आपकी 1 पोस्ट रहने वाली है और आपकी CMTDT की आपके यहाँ पर 1 पोस्ट रहने वाली है। इसके अलावा फ्रेंड्स, आपकी एयरफोर्स स्टेशन देहरादून उत्तराखंड से वैकेंसी का नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिसकी आपकी CMTD की आपकी 1 नंबर ऑफ वैकेंसी रहने वाली है। आपकी गाजियाबाद उत्तर प्रदेश से कुक की आपकी वैकेंसी का नोटिफिकेशन जारी किया गया है, आपकी 1 नंबर ऑफ वैकेंसी यहाँ पर रहने वाली है।
इसके अलावा फ्रेंड्स आपकी बीकानेर राजस्थान से एक नंबर वैकेंसी इन्वाइट की गई है। इसकी आपकी CMTD की आपकी पोस्ट रहने वाली है। इसके अलावा फ्रेंड्स आपके यहाँ पर हिमाचल प्रदेश से आप सभी के लिए वैकेंसी का नोटिफिकेशन जारी किया गया है। आपकी कुक की वैकेंसी इन्वाइट की गई है, आपकी दो नंबर ऑफ वैकेंसी यहाँ पर रहने वाली है। आपके यहाँ पर बसंत नगर न्यू दिल्ली से वैकेंसी का नोटिफिकेशन जारी किया गया है। आपके यहाँ कुक की पोस्ट इन्वाइट की गई है, आपकी एक नंबर ऑफ वैकेंसी रहने वाली है। फ्रेंड्स बात करेंगे आपके यहाँ पर एज की लिमिट को लेकर, देखिए जो आपकी एज रहने वाली है 18 से 25 साल के बीच आपकी एज रहने वाली है। यदि आप OBC कैंडिडेट हो तो आपको यहाँ पर 3 साल का एज में रिलैक्सेशन मिलने वाला है। यदि आप SC ST कैंडिडेट हो तो आपको यहाँ पर 5 साल का एज में रिलैक्सेशन मिलने वाला है। यदि आप PWD कैंडिडेट हो तो आपको यहाँ पर 10 साल का एज में रिलैक्सेशन मिलने वाला है। चलिए फ्रेंड्स अब जानेंगे आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन को लेकर कि इसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या रहने वाली है। फ्रेंड्स यदि आप अप्लाई करना चाहते हो AC MAC की पोस्ट के लिए तो फ्रेंड्स इसके लिए आप 10वीं पास कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे, बट आपके पास यहाँ पर सर्टिफिकेट भी रहना चाहिए एयरक्राफ्ट मैकेनिक का, तभी आप फ्रेंड्स आप इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर पाएंगे। फ्रेंड्स कारपेंटर की पोस्ट के लिए यदि आपने 10वीं पास कर ली प्लस आपके पास ITI है तो आप इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर पाएंगे। कुक की पोस्ट के लिए ओनली 10वीं पास कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे। यदि आपने 10वीं पास कर ली है तो आप इस भर्ती के लिए अप्लाई कर पाएंगे। CMTD यानी कि सिविलियन मैकेनिकल ट्रांसपोर्ट ड्राइवर की पोस्ट के लिए फ्रेंड्स आप यहाँ पर 10वीं पास कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे, बट आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, चाहे आपके पास लाइट हो या हैवी हो, कैसा भी आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस हो, आपके यहाँ पर दोनों ड्राइविंग लाइसेंस मान्य होने वाले हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स आपके लोअर डिवीजन क्लर्क के पदों पर है वैकेंसी का नोटिफिकेशन जारी किया गया है। यदि आपने 12वीं पास कर लिए तो आप फ्रेंड्स यहाँ पर अप्लाई कर पाएंगे। याद रखना इसमें आपकी टाइपिंग भी कंडक्ट कराई जाएगी। आपकी इंग्लिश की टाइपिंग स्पीड 35 वर्ड प्रति मिनट, हिंदी की टाइपिंग स्पीड आपकी 30 वर्ड प्रति मिनट होनी चाहिए। इसके अलावा फ्रेंड्स आपकी स्टेनो ग्रेड सेकेंड की आपके पर वैकेंसी इन्वाइट की गई है। आपके पर 12वीं पास कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे। स्टोर कीपर की पोस्ट के लिए 12वीं पास कैंडिडेट यहाँ पर अप्लाई कर पाएंगे। इसके अलावा फ्रेंड्स आप मैस स्टाफ की पोस्ट के लिए 10वीं पास कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे, बट आपके पास वेटर या वाशर का आपके पास एक्सपीरियंस भी रहना चाहिए। इसके अलावा फ्रेंड्स मल्टीटास्किंग स्टाफ की पोस्ट के लिए यहाँ पर 10वीं पास कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे। इसके लिए भी आपके पास वॉचमैन लेस्कर के आपका जो आपके पास गार्डनर का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए, तभी आप इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर पाएंगे। यदि बात करेंगे आपके मोड ऑफ सिलेक्शन के बारे में तो फ्रेंड्स सबसे पहले आपने जो यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप किया होगा उसको आपको चेकआउट किया जाएगा। यदि आपने कोई वहाँ पर गलती नहीं की है तो आपका एडमिट कार्ड आपके घर पर बाई पोस्ट आने वाला है। इसके अलावा आपका यहाँ पर रिटन एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा, उसके बाद आपका ट्रेड टेस्ट यहाँ पर होगा। आप यहाँ पर जो सिलेबस अपना देख पा रहे हो कि आपके यहाँ पर रिटन एग्जाम आपको कौन कौन से क्वेश्चन आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे, आपको कौन कौन से आपका सिलेबस क्या आपका यहाँ पर रहने वाला है। इसके अलावा फ्रेंड्स आप यहाँ पर डिटेल में जानकारी टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप से चेकआउट कर सकते हो, वहाँ पर आपको इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन ये मैं प्रोवाइड करा दूंगा। आप इस वैकेंसी के लिए 30 दिन तक अप्लाई कर पाएंगे। जो आपके एप्लीकेशन फॉर्म है वो 2 जुलाई 2022 से शुरू हो चुके हैं, आप इस एप्लीकेशन फॉर्म के लिए अप्लाई कर पाएंगे। यदि बात करेंगे आपके डॉक्यूमेंट को लेकर है तो फ्रेंड्स आपको सबसे पहले बताना चाहूँगा आपको यहाँ पर एक पोस्टल आपको जो आपका एनवेलप रखना होता है उस पर आपको 10 रुपये का यहाँ पर डाक टिकट लगाना होगा। 2 पासपोर्ट साइज फोटो अलग से रखने होंगे। आपको जाति प्रमाण पत्र रखना है, निवास प्रमाण पत्र रखना है। यदि आप जनरल कैंडिडेट हो तो आपको जाति प्रमाण पत्र नहीं रखना, 10वीं की मार्कशीट 12वीं की मार्कशीट की फोटोकॉपी रखनी है। यदि आप ITI से अप्लाई करें तो ITI की फोटोकॉपी रखनी है। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है आपके पास तो आप यहाँ पर एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट की फोटोकॉपी रख सकते हो। इसके अलावा फ्रेंड्स आपको आपको यहाँ पर आधार कार्ड की फोटोकॉपी करवा लेनी होगी। ये आपका फ्रेंड्स एप्लीकेशन फॉर्म रहने वाला है जो आपको फिलअप करके सेंड करना होगा। इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन को मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप पर फॉरवर्ड कर दूंगा। आई होप आप समझ चुके होंगे ना, अभी आपका कोई डाउट नहीं रहा होगा। दी गई जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और आगे किसी भी ऑफलाइन फॉर्म के रिगार्डिंग नोटिफिकेशन पाने के लिए ऑफलाइन फॉर्म यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलता हूँ किसी अन्य वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।